परम्यूटेशंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक यह है कि जब सभी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं हो, यानी दिए गए ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स सेम होने पर उनके परम्यूटेशंस किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने सीखा था कि दो मेन एंड वन वुमेन को थ्री डिफरेंट चेयर्स पर अरेंज करने के टोटल 6 फेज होते हैं। अब यदि दो पर्सन सेम हो या हम शक्ल हो तो हम परम्यूटेशंस कैसे फाइंड करेंगे। अब गिवन सिचुएशन में हमने माना कि दो वेमेन हैं जो कि आइडेंटिकल हैं। अब हमको इन तीनों लोगों को इन चेयर्स पर अरेंज करना है। अब फर्स्ट वे तो यही हो गया कि हम इन्हें इसी ऑर्डर में चेयर्स पर बैठा दें। अब नेक्स्ट वे फाइंड करते हैं। इसके लिए इस मैन की पोजीशन को फिक्स कर देते हैं तथा रिमेनिंग दोनों की पोजीशंस आपस में बदल देते हैं। तब हमें न्यू सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। अब यह हमारा सेकेंड वे हो गया है। अब सिटिंग अरेंजमेंट के फर्स्ट वे में यदि इस वुमेन की पोजीशन को फिक्स कर दें तथा रिमेनिंग दोनों की पोजीशन आपस में एक्सचेंज कर दें तो हमें एक और सिटिंग अरेंजमेंट प्राप्त हो जाएगा। सो ये हमारा थर्ड वे होगा। अब सिटिंग अरेंजमेंट के इस थर्ड वे में यदि हम वुमेन की पोजीशन फिक्स करें एंड रिमेनिंग दोनों की पोजीशन आपस में एक्सचेंज कर देते हैं तो हमें एक और सिटिंग अरेंजमेंट प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ वे होगा। अब सिटिंग अरेंजमेंट के फर्स्ट वे में इस वुमेन की पोजीशन को फिक्स कर दें तथा रिमेनिंग दोनों की पोजीशन आपस में एक्सचेंज कर दें तो हमें एक और सिटिंग अरेंजमेंट प्राप्त हो जाएगा, जो कि अरेंजमेंट का फिफ्थ वे होगा। अब सिटिंग अरेंजमेंट के इस फिफ्थ वे में यदि वुमेन की पोजीशन को फिक्स कर दें एंड रिमेनिंग दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज कर दें तो हमें एक और सिटिंग अरेंजमेंट प्राप्त होगा, जो कि सिक्स्थ वे होगा। यहां देखें तो वन मैन एंड टू आइडेंटिकल वुमेन को इन थ्री चेयर्स पर टोटल 6 वे में अरेंज कर सकते हैं। ये जो हमें टोटल 6 सिटिंग अरेंजमेंट्स प्राप्त हुए हैं, इन्हें ध्यान से देखें तो ये दोनों अरेंजमेंट्स तो सेम ही हैं। इसी प्रकार ये दोनों अरेंजमेंट भी सेम हैं तथा ये दोनों भी सेम हैं। सो बेसिकली हमारे पास टोटल 3 यूनिक वेज ही हैं। हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो टोटल सिटिंग अरेंजमेंट्स में से एक्चुअल सिटिंग अरेंजमेंट्स कम हैं, क्योंकि कुछ केसेस एक दूसरे के सिमिलर हैं या रिपीट हो रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को n पोजीशंस पर टोटल n फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है। अब इन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हों तब यह फॉर्मूला सही होगा या ये कोई और फॉर्म ले लेगा। माना हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से r ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमारे पास 2 ऑरेंजेस, 1 एप्पल एंड 1 पेयर है, यानी नाशपति है। यहां दोनों ऑरेंजेस आइडेंटिकल हैं। अब हम इन्हें अरेंज करने के टोटल वेज फाइंड आउट करते हैं। यदि ये सभी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं तब हम इन्हें 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, परंतु ये दोनों ऑरेंजेस आइडेंटिकल हैं। यदि इन्हें हम इंटरचेंज करें तो इससे अरेंजमेंट पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ है जो 4 फैक्टोरियल वेज हैं इनमें से कुछ वेज डुप्लीकेट हैं या सेम हैं। तो अब हम एक्चुअल वेज कैसे फाइंड करेंगे। सो माना हमारे पास अरेंज करने के एक्चुअल वेज x हैं। यहाँ हमने ऑरेंजेस के आइडेंटिकल होने के कारण प्रत्येक अरेंजमेंट को एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है। तो अब क्वेश्चन यह आता है कि हमने कितने टाइम इनको एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है। यहाँ हम देखें तो इन दोनों ऑरेंजेस को आपस में
टू फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि हर वे को हमने टू फैक्टोरियल टाइम एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है, विच मीन्स एक्स इंटू टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू फोर फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करने पर हमें एक्चुअल वेज एक्स इज इक्वल टू फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में माना हमारे पास थ्री ऑरेंजेस, वन पेयर एंड वन एप्पल है। अब यदि ये सभी डिस्टिंक्ट हैं तो इन्हें अरेंज करने के टोटल वेज होंगे 5 फैक्टोरियल, परंतु यहाँ पर ये तीन ऑरेंजेस आइडेंटिकल हैं, जो अगर डिस्टिंक्ट होते तो इन्हें टोटल 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते थे। सो इस केस में 3 आइडेंटिकल ऑरेंजेस, 1 पेयर, 1 एप्पल को अरेंज करने के एक्चुअल वेज होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास 3 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल्स हैं। यदि ये सभी डिस्टिंक्ट हैं तब हम इन्हें टोटल 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, परंतु यहाँ यह तीनों ऑरेंजेस आइडेंटिकल हैं, डिस्टिंक्ट होने के पर इन्हें टोटल 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता था, तथा ये दोनों एप्पल्स भी आइडेंटिकल हैं जिनके डिस्टिंक्ट होने पर इन्हें टोटल 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता था। 3 आइडेंटिकल ऑरेंजेस एंड 2 आइडेंटिकल एप्पल्स को अरेंज करने के टोटल वेज होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो यदि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल और सेम काइंड के हैं तथा रिमेनिंग सभी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं, तब टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल के बराबर होंगे। इसी प्रकार यदि n ऑब्जेक्ट्स में से r1 ऑब्जेक्ट्स वन काइंड के हैं, r2 ऑब्जेक्ट्स सेकेंड काइंड के, r3 ऑब्जेक्ट्स अनदर काइंड के, एसो ऑन rk ऑब्जेक्ट्स kth काइंड के, तथा रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट और डिस्टिंक्ट हैं, तब टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस होंगे n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल अप टू rk फैक्टोरियल।